हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव फ्रेंड्स। ये ब्रश टूल का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम लोग ने सीखा था कि ब्रश टूल को कैसे यूज़ करेंगे और ब्रश टूल की सभी सेटिंग्स को समझा था। इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि हम लोग इंटरनेट से ब्रशेस कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से फोटोशॉप में ब्रशेस को यूज़ करेंगे और ब्रशेस को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं। गूगल पे जाके लिखेंगे फोटोशॉप ब्रशेस फ्री डाउनलोड तो कई सारे वेबसाइट्स के लिंक मिल जाएंगे जहाँ से हम लोग फोटोशॉप ब्रशेस फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहला ही लिंक मिलता है brusheasy.com। इस लिंक को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रशेस मिल जाएंगे। इसमें कुछ पेड वाले हैं और कुछ फ्री डाउनलोड हैं। जिसमें प्रीमियम लिखा हुआ है वो पेड ब्रशेस हैं और जिसमें प्रीमियम नहीं लिखा हुआ है वो फ्री ब्रशेस हैं। जो भी ब्रश आपको डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करेंगे, फ्री डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से फ्री डाउनलोड कर लेंगे। एक zip फाइल डाउनलोड हो जाएगी। zip फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर हमको ब्रश फाइल मिल जाएगी। ब्रश फाइल का एक्सटेंशन होता है .abr। अभी हम लोगों ने मंडाला ब्रशेस डाउनलोड किए हुए हैं। अब देखते हैं कि ये ब्रशेस को हम फोटोशॉप में कैसे लेकर आएंगे और कैसे यूज़ करेंगे। मैंने और भी कई सारे ब्रशेस डाउनलोड किए हुए हैं। अब हम इन ब्रशेस को यूज़ करेंगे। विंडो मेन्यू में जाएंगे और ब्रश प्रीसेट पैनल ओपन कर लेंगे। अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्रशेस शो कर रहा है। यहाँ से हम ब्रश थंबनेल साइज सेट कर लेंगे। अब ब्रश फोल्डर में जाकर के हमने मंडाला ब्रश सर्च कर लिया। अब इसमें डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्रशेस हमारे ब्रश प्रीसेट में ओपन हो जाएंगे। ब्रश के लिए हम एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेंगे ताकि ब्रश क्रिएट करने के बाद में भी हम उसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकें। अब ये मंडाला ब्रश सेलेक्ट किया, ये बहुत ही लार्ज साइज में आ रहा है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ब्रश को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ला सकते हैं।
अभी जैसे हमने एक मेथड यूज़ किया कि डबल क्लिक करके ब्रश को लेके आए, और एक दूसरा मेथड यूज़ किया कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके ब्रशेस को लेके आए। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ब्रश की सभी लाइब्रेरीज लिस्ट में आ जाएं ताकि हम किसी भी ब्रश लाइब्रेरी को ईजिली ओपन कर सकें, तो इसके लिए हमें ब्रशेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सभी ब्रश को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब सी ड्राइव में जाएंगे, देन प्रोग्राम फाइल्स, देन एडोबी और एडोबी फोटोशॉप, देन प्रीसेट, देन ब्रशेस, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमारे ब्रशेस इंस्टॉल हो गए। एक बार फोटोशॉप को रीस्टार्ट करेंगे, उसके बाद में ही ब्रशेस की लिस्ट शो होगी। अब यहाँ पे सभी ब्रश लाइब्रेरी लिस्ट में आ गए। यहाँ से हम कोई भी ब्रश लाइब्रेरी इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से क्लाउड ब्रशेस सेलेक्ट कर लिए और क्लाउड ब्रश का यूज़ करते हुए क्लाउड्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के क्लाउड्स मिल जाएंगे। इसी तरह से अब हमने वाटर ब्रश सेलेक्ट कर लिया और इससे हम लोग वाटर एंड वाटर स्प्लैश क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने मून एंड स्टार ब्रश सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से बहुत सारे क्रिएटिव ब्रशेस मिलेंगे, इससे हम लोग बहुत सारी क्रिएटिव डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। इमेज के ऊपर भी हम लोग ब्रशेस से एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे इस इमेज में हमें रेन ऐड करनी है, बर्ड्स ऐड करने हैं, क्लाउड्स ऐड करने हैं, या हमें लाइटिंग ऐड करनी है, तो वो सब हम लोग ब्रशेस से कर सकते हैं।